वेलकम टू स्टडी क्लासेस। 11th मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग सेट की चर्चा कर रहे हैं और उसमें जो आज हमारा टॉपिक होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी समुच्चय का पूरक। पूरक समुच्चय क्या होगा? पूरक समुच्चय क्या होगा? अगर कोई एक समष्टीय समुच्चय दिया हुआ है, समष्टीय समुच्चय हमारे पास है यू, यह समष्टीय समुच्चय, और एक सेट हमारे पास ए दिया हुआ है, तो पूरक का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमको निकालना है। ए के उन अवयव माने ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू के वह अवयव लिख दिए जाएं जो ए में नहीं है, यानी ए में क्या मिला दिया जाए कि यू बन जाए, तो इसको हम यू माइनस ए कहते हैं। ए डैश से निरूपित करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट से भी निरूपित कर देते हैं, या u माइनस ए से निरूपित करते हैं, और डिफिनेशन क्या हो जाएगी x सच दैट x बिलोंगिंग टू a एंड x नॉट बिलोंगिंग टू a। u के वह अवयव जो a में नहीं है a का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे u है अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय और a क्या है, a है मान लीजिए a, a नहीं है b है c है d है F है G है H है, माने क्या है व्यंजनों का समुच्चय, तो U माइनस A क्या हो जाएगा, इसी को A डैश कहते हैं। ये क्या हो जाएगा A B I O। अगर हम A और U माइनस A का यूनियन ले लें, यानी A और A डैश का यूनियन ले लें, हमको यही U मिलेगा, यानी A डैश क्या हुआ U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं है, तो यू माइनस ए है। अगर इसका वेन निरूपित करते हैं तो वेन क्या हो जाएगा, ये यू हुआ और एक ये सेट ए हो गया, तो यू माइनस ए क्या होगा, ये यू माइनस ए। यू को ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट ले लिए जाए तो वो क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। ये आपको जरूर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। 1.5 एक्सरसाइज इसी पर आ रहा है। कुछ इसकी भी प्रॉपर्टीज है, जैसे एक प्रॉपर्टीज होगी कि हमने बताया अभी ए और ए डैश का यूनियन लिया जाए तो हमको यू मिलेगा, और अगर इनका इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो आप जानते हैं कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी ये डिसजॉइंट सेट होगा, विसंधित समुच्चय होगा, असंयुक्त समुच्चय। इसी प्रकार से आगे बात करें तो एक डी मॉर्गन का नियम है, आपके यहाँ पूछा भी जा सकता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी डैश अगर निकाला जाए तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसी प्रकार से अगर A इंटरसेक्शन B का डैश दिया जाए A डैश B में निकलेगा। अब अगली बात आती है कि अगर किसी समुच्चय के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वही मूल समुच्चय हमको प्राप्त होगा। फाई डैश निकालेंगे जाहिर सी बात है U आएगा, और U डैश निकालेंगे तो फाई आएगा। ये पूरक समुच्चय की बात हुई, 1.5 एक्सरसाइज आपकी इसी पर आ रही थी। 1.5 एक्सरसाइज आपको करनी है और बहुत आसान है। कहीं कहीं क्या होता है, ए दिया होता है, सपोज दैट यू दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 10, ए दिया है 1, 2, बी दिया है 3, 4, और ए यूनियन बी डैश निकालना है। ए यूनियन बी डैश निकालने के लिए हमको पहले ए यूनियन बी पता होना चाहिए। क्या होगा ए यूनियन बी, 1, 2, 3, 4। ए यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा, यू के वह अवयव जो ए यूनियन बी में नहीं है, कौन कौन नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरीके से आप 1.5 एक्सरसाइज कर सकते हैं। दो सूत्र और हो सकते हैं जो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित हैं, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन पर आधारित। कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल टू ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन।
ए यूनियन बी के कार्डिनल नंबर माने ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या का योगफल, ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या के योग के बराबर होता है। यानी अगर दो समुच्चय हैं तो ये स्थिर लग सकता है, अगर तीन समुच्चय हैं तो ये सूत्र लग सकता है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए बी और सी के यूनियन ले लिए जाए उनमें अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सी। ए में अवयवों की संख्या धन बी में अवयवों की संख्या धन सी में अवयवों की संख्या और ऋण ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, ऋण बी इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या, ऋण सी इंटरसेक्शन ए में अवयवों की संख्या और धन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या। इन सूत्र का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके के होते हैं जिनका हम प्रयोग जहाँ पर हम इनको प्रयोग मिलाते हैं, और इस तरीके के सवाल भी आपके पास हो सकते हैं। जैसे आप 1.6 एक्सरसाइज की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स दिया है 17, कार्डिनल नंबर ऑफ वाई दिया है 23, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई दिया हुआ है, यूनियन 38 दिया हुआ है, 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है और कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड, यही फार्मूला लग जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स, कार्डिनल नंबर ऑफ वाई, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। कैसे, जो ए था वो एक्स हो गया, जो बी था वो वाई हो गया, और यही फार्मूला लगा के आपको ये निकालना है। इसको इधर पक्षांतर कर दिए माइनस में, यहाँ मान लीजिए 17, 23 और 38, 17, 23, 40 और माइनस 38 लिखे कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी एक्स और वाई के इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या 2 हो जाएगी। इसी तरीके का कोई सवाल हो सकता है भाषा में, जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 दिया हुआ है, हम उसकी चर्चा करते हैं। 400 व्यक्तियों के समूह में, क्वेश्चन नंबर 3 है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोलते हैं, 250 हिंदी बोलते हैं और 200 अंग्रेजी बोलते हैं, कितने व्यक्ति दोनों बोलते हैं, दोनों माने हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ज्ञान है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। कुल कितने हैं, 400, ये 400 क्या है, ये हिंदी के लिए हम एच और इंग्लिश के लिए ई का प्रयोग करें तो कार्डिनल नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश कितना हो जाएगा, 400 टोटल हो जाएगा। हिंदी कितने हैं, 250, कार्डिनल नंबर ऑफ हिंदी 250 और कार्डिनल नंबर ऑफ इंग्लिश क्या है, निकालना क्या है, दोनों बोल सकते हैं, दोनों का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, ई इंटरसेक्शन एच लिखिए या एच इंटरसेक्शन ई लिखिए, क्या फार्मूला लगेगा, आपको बताया गया एच प्लस ई में कार्डिनल नंबर, ई इंटरसेक्शन एच, एच इंटरसेक्शन ई के बाद है और प्लस एच क्या लगा देंगे, हमको निकालना क्या है, एच इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू एच कार्डिनल नंबर एच माइनस कार्डिनल नंबर एच यूनियन ई, क्या हो जाएगा, ये 200 हो गया इंग्लिश में, हिंदी में 250 हो गया और ये हो गया आपका 50, तो ये आ जाएगा 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं। अगर आप बेन देखिए, बेन भी बहुत आसानी से हो जाएगा, बेन क्या होगा,
ये तो हो गया यू समष्टि, और एक बनाइए हिंदी और एक बनाइए स्कूल। कितने हैं? 400। हिंदी वाले कितने हैं? हिंदी वाले हैं 250 और अंग्रेजी वाले कितने हैं? 200। कुल जोड़ेंगे क्या आएगा? कुल जोड़ेंगे तो 450 हो गया। हैं कितने? 400 है, यानी ये हमने पेन गलत बनाया। तो क्या करें, इसको 200 कर दें, 50 यहाँ लिख दें, 250 हिंदी वाले हो गए। अब भी जोड़ेंगे तो 450 आएगा, इसको हम 150 कर दें, इंग्लिश वाले हमारे पास 200 हो गए। और ये जो हो गया, ये इंटरसेक्शन को दर्शाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, केवल हिंदी बोलने वाले 200, केवल अंग्रेजी बोलने वाले 150, दोनों बोलने वाले 50, कुल बोलने वाले 400। माने कुल व्यक्तियों की संख्या 400, केवल हिंदी बोलने वाले 200, केवल अंग्रेजी बोलने वाले 150, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले 250, हिंदी बोलने वाले 250 सॉरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले 50, केवल हिंदी बोलने वाले 200 और हिंदी बोलने वाले 250, क्योंकि हिंदी तो वो भी बोलते हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आपकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो भी हो जाएगी। अगले सेशन में हम रिलेशन एंड फंक्शन की चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।